तो हेलो गाइस, एपिसोड 3 में हमने देखा था कि लोबो अपने हथियार को एक अलग ही ढंग से पकड़ के थॉर पे अटैक कर देता है, जिसके बाद हमें एपिसोड 4 की शुरुआत में लोबो का पास्ट दिखाया जाता है। लोबो जो था वो समझ चुका था कि इस दौर में उसे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, जिस वजह से वो अपने हथियार को और भी ताकतवर बनाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपने हथियार को इतना यूज करता है कि दिन पे दिन उसके हथियार टूटने लगते हैं, मगर वो हार नहीं मानता और प्रैक्टिस करते रहता है। फिर कई कोशिश करने के बाद लोबो फाइनली उस अटैक को कर लेता है। वो उस अटैक में बीच में से पूरे आसमान को फाड़ देता है, मगर उसी बीच उसका जो हथियार होता है वो टूट जाता है और लोबो इस अटैक को नाम देता है स्काई ब्रेकर। फिर इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और लोबो थॉर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। ये देख के थॉर भी अपने हैमर से कहता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और उसका हैमर भी हाँ में जवाब देता है। फिर थॉर अपने हैमर को लोबो के ऊपर फेंक देता है, लेकिन लोबो उससे बच जाता है और वही थॉर का हैमर वापस से उसके पास आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगा के एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और इस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ये देख के ह्यूमंस और गॉड्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से लोबो का हथियार टूट जाता है और उसकी बॉडी भी बहुत ही घायल हो जाती है एंड वो जो वैल्करी होती है वो इसी बीच मर जाती है। ये देख के गोल और ब्रुएल्डा बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वही थॉर अपने पैरों पे खड़ा होता है। वही फिर हम लोबो को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही बुरी होती है। वो अपने ही दांतों से अपने एक हाथ को उखाड़ लेता है, जिसके बाद वो उसी हालत में थॉर के ऊपर बढ़ने लगता है। लोबो थॉर के पास जाते हुए बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में पहली बार अपने जितने ताकतवर इंसान से लड़ने का मौका मिला। फिर लोबो जैसे ही थॉर के पास पहुंचता है तो थॉर अपने हैमर से लोबो की गर्दन को उखाड़ देता है और वही लोबो खून आ खून हो जाता है। वही लोबो की आर्मी अपने जनरल को अपने सामने मरते हुए देख के बहुत ही रोने लगते हैं, जिसके बाद हैमडल कहता है, तो आखिरकार हमें हमारी पहले लड़ाई का विजेता मिल चुका है और उसका नाम है तूफान का देवता थॉर। और वही थॉर इस लड़ाई को जीतने के बाद वहाँ से चले जाता है। वही हम ज्यूस को देखते हैं जो इस लड़ाई को जीतने के बाद बहुत ही खुश हो रहे होते हैं एंड जो ओडिन के कव्य होते हैं वो कह रहे होते हैं, हमें नहीं लगा था कि ये लड़ाई इतने आगे तक जाएंगी। वही सिवा कह रहे होते हैं, 1000 साल में पहली बार मुझे इतना मजा आ रहा है। वही फिर हैमडल कहता है, तो इसी के साथ हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं ह्यूमंस को इस दुनिया से तबाह करने के। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई